हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल फॉर अनदर वीडियो ऑन पॉलिटिक्स। आज हम लोग ये जो वीडियो है, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट जो कि कंडक्ट होने वाला है फ्रॉम 18 सितंबर टू 22 सितंबर। उस टाइम पे ये होगा और इसके लिए ये जो गवर्नमेंट का जो नोटिस है, आप बोलिए गवर्नमेंट का एक नोटिफिकेशन आया है, वो गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन बाद में आया है और आप बोलिए जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज ही मैं देखा था कि सुबह में आया है। बट इसके पहले जो प्रहलाद जोशी है, जो कमिटी ऑफ पार्लियामेंट अफेयर्स है, उनका इंचार्ज है, तो उनकी तरफ से एक ट्वीट आ गया है। नाउ अब हम लोग आ जाते हैं कि ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन, ये जो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन क्या है, कब से कब होने वाला है, क्या प्रोज है, क्या कौन से कौन 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 ये चीजों को बुला सकते हैं, कौन नहीं बुला सकते, ये सब बहुत सारा टेक्निकल चीजें हैं। फॉर दैट टेक्निकल चीजें मैं यहाँ पे एक आर्टिकल अटैच कर रहा हूँ, आप फॉर योर रेफरेंस आप उसको देख सकते हैं। बट देखिए, ऑन पार्लियामेंट्री सेशन जब गवर्नमेंट की तरफ से अनाउंस कर दिया गया है कि ये सेशन होने वाला है, तो उसके ऊपर जो हमारा ऑपोजिशन पार्टी है उनसे बहुत सारा प्रतिक्रिया आना स्टार्ट किया। पहले जो प्रतिक्रिया है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका एक वीडियो है, मैं यहाँ पे वीडियो अटैच नहीं कर रहा, उन्होंने एक्जैक्ट क्या बोला मैं वो चीज यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। उन्होंने ये बोला है जब चाइना लैंड ग्रैब कर रहा था या कोविड-19 के टाइम से वहां पे या मणिपुर के कोई इशू है उसमें आप पार्लियामेंट जो स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन आप उस टाइम पे नहीं बुलाए, तो आप ये बुलाने का क्या मतलब है, इसके पीछे क्या रीजन है, उन्होंने ये जानने की कोशिश किया है, मतलब गवर्नमेंट से ये क्वेश्चंस किया है। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि आम आदमी पार्टी, उन्होंने क्या बोला है, उन्होंने ये बोला है कि देखिए पार्लियामेंट्री और स्पेशल पार्लियामेंट्री सेशन उसको कंडक्ट करने से पहले ऑपोजिशन को पूछना चाहिए था, या उनका मान लीजिए कि बुलाने का मकसद क्या है, उसके उसके ऊपर आप एक दो टिप्पणी कर सकते थे, बट उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। तो उन्होंने एग्जैक्ट क्या बोला है मैं यहाँ पे अटैच करता हूँ। एट द सेम टाइम जैसे मैंने आपको पहले ही बोला, वो जो एक टेक्निकल पार्ट है ना वो देखिएगा, इंडियन एक्सप्रेस का एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, उस आर्टिकल में बहुत सारा चीज मैंने हाईलाइटेड भी कर दिया था, तो वो चीज मैं यहाँ पर अटैच कर रहा हूँ। उसके बाद देखिएगा कि शिवसेना ने क्या बोला है कि देखिए कि उस टाइम पे मतलब जो 18 सितंबर 22 सितंबर उस टाइम पे महाराष्ट्र में कनेक्ट चुके था, तो उस टाइम पे बोलो बोल रहे हैं कि इस टाइम पे आप पार्लियामेंट्री सेशन ला रहे हैं, मतलब यू आर डूइंग सर्टेन थिंग्स अगेंस्ट हिंदू, तो उन्होंने भी एक क्या बोला है मैं यहाँ पे अटैच करूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं AIMM, ठीक है, जिनका जो आप बोल लीजिए चीफ है वो वैसे ने 4-5 पॉइंट में से तो 2-3 पॉइंट सही बोला है, बाकी पॉइंट वही है, ठीक है। और ये जो मल्लिकार्जुन खड़गे या आप बोल लीजिए आम आदमी पार्टी या TMC या आप बोल लीजिए AIM, तो इन लोगों में से जो प्रोमिनेंट फिगर है वो है राहुल गांधी। राहुल गांधी जी ने एग्जैक्ट क्या बोला है उसका जो वीडियो है मैं यहाँ पे अटैच कर रहा हूँ। मे बी आई थिंक इट्स इंडिकेट ऑफ अ लिटिल पैनिक, सेम टाइप ऑफ पैनिक दैट हैपेंड व्हेन आई स्पोक इन पार्लियामेंट हाउस, panic that suddenly made them revoke my parliament membership. So I think it is panic because these matters are very close to the Prime Minister, and whenever you touch the Adani matter the Prime Minister gets very uncomfortable and very nervous. Now ye to ho gaya ki jo hamara opposition parties ko unhone kya bola hai, unka kya pratikriya hai, hum log ne wo sab ke upar baat kar liye. Ab aa jata hai jo main mudda hai aur jo important part hai, वो बोल रहा है कि ये जो 18 से 22 उस टाइम पे जब ये पार्लियामेंट का सेशन होगा वहां पे नो क्वेश्चंस आवर होगा, कोई जीरो आवर नहीं होगा, तो ये सब चीजें नहीं होगा, तो इधर डिस्कस क्या होने वाला है। देखिए गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ बोला नहीं है क्या डिस्कशन होने वाला है, बट बहुत लोग इसको प्रेडिक्ट कर रहा है। देखिए कौन कौन सा चीज होने वाला है, फर्स्ट जो बिल या बिल के ऊपर डिस्कशन होने वाला है या बिल वो पास हो सकता है, नॉट श्योर अबाउट इट, तो मैं वो पॉसिबिलिटीज के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो है फर्स्ट जो पार्ट है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है। उसके बाद होगा कि पार्टी इलेक्शन इसके ऊपर होगा, हो सकता है उसके ऊपर वन नेशन वन इलेक्शन, उसके बाद स्टार्टिंग ऑफ न्यू पार्लियामेंट वो भी हो सकता है, बोर्ड के ऊपर डिसीजन हो सकता है, या प्लेसेस ऑफ वर्शिप है इसके ऊपर भी हो सकता है, और वुमेन रिजर्वेशन ये सब के ऊपर हो सकता है। तो इसमें से जो मेन जो पॉइंट है तो वो है यूनिफॉर्म वन नेशन वन इलेक्शन और वुमेन रिजर्वेशन बिल। देखिए और इसमें भी बहुत से जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, इसके ऊपर डिस्कशन मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। बट ये वुमेन प्रिजर्वेशन बिल, देखिए वुमेन प्रिजर्वेशन बिल जो है ना वो वुमेन प्रिजर्वेशन बिल शायद पास भी हो जाएगा, लेकिन ऑन ग्राउंड इम्प्लीमेंटेशन होना बहुत डिफिकल्ट है। इसके बाद ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड बोल लीजिए या वॉक बोर्ड और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, इसमें क्या है कि आप इसके ऊपर ज्यादा कुछ बिल नहीं पास करवा सकते, या इसका होने का जो पॉसिबिलिटीज है ना वो बहुत कम है। इसका जो मेन रीजन है बीजेपी का जो देखिएगा कि जो वोट बैंक है ना उसमें पसमानंदा मुस्लिम भी आता है, तो आप इसमें थोड़ा चेंजेस करेंगे ना तो हो सकता है कि पसमानंदा मुस्लिम कहीं पर डाइवर्ट हो जाएगा, तो इसके वजह से ये जो तीन बिल है ना जो यूनिफॉर्म सिविल कोड या प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट या वॉक बोर्ड, जो मुझे लगता है कि ये नहीं होगा। अब बीजेपी गवर्नमेंट हो सकता है कुछ अलग से कर लेगा, तो वो अलग चीज है, मुझे लगता नहीं कि ये करेगा, क्योंकि कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेगी एटलीस्ट ये जो इलेक्शन के टाइम पे ना कोई भी अपना जो वोट बैंक है वो उसको जैसे फेंक नहीं देगा। इसके बाद देखिए जो स्टार्टिंग ऑफ न्यू पार्लियामेंट है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद जो और एक
आप बोल लीजिए इशू है वो है आर्ली इलेक्शन, देखिए आर्ली इलेक्शन नहीं होगा, दिसंबर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे इलेक्शन बहुत आर्ली हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो एक बार हुआ था 2004 में हुआ था, जब बीजेपी का गवर्नमेंट था अटल बिहारी वाजपेयी, उसमें उन्होंने वो करवाने के चक्कर में वो हार गया था, ठीक है। तो वो ये इसका जो मेन रीजन है वो है, आपको पता होगा January 2024 में राम जन्मभूमि का वहां पर इनॉग्रेशन है, तो उससे पहले तो इलेक्शन नहीं होने वाला, तो दिसंबर में जो इलेक्शन है वो नहीं होगा। With these things, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. Aap sab log apna next video ke till then. Bye bye.